नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ भूपेश टांडिया। क्या कोई व्यक्ति इतना भी नीचे गिर सकता है कि वह अपनी जेब भरने के लिए मृत व्यक्ति के नाम पर भ्रष्टाचार करे? हमारे समाज में ऐसे भी लोग जीवित हैं। खबर है बलरामपुर से, जहां एक पंचायत सचिव ने भ्रष्टाचार की सारी सीमा पार कर दी है। इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आप भी कहेंगे, कम से कम मृतकों के नाम पर तो दूसरा भ्रष्टाचार का गंदा खेल खेलना छोड़ दो। दरअसल जिले के शंकरगढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत सिहार ग्राम पंचायत में पदस्थ सचिव ने मृतकों के नाम पर भ्रष्टाचार का गंदा खेल खेला है। गांव के 10 मृत व्यक्ति के नाम पर पंचायत सचिव 2018 से पेंशन आहरित करके अपनी जेब गर्म कर रहा है। एक इंसान होने के नाते यह भी शोभा नहीं देता कि कोई मानवता की सारी हदें पार कर दे और मृत व्यक्ति के नाम पर भ्रष्टाचार करे। यहाँ के बुजुर्गों का कहना है कि उन्हें भी कई महीनों से पेंशन नहीं मिला है। उसका काम बहुत पहले से लापरवाही है। सभी का पैसा, निराशी पैसा निकाल के अपने पॉकेट में डाल के अपने पेट भर रहा है। किसी को 350 में 50 रुपया बच रहा है, चेंज करके दूंगा वो बोलता है, लेकिन पर नहीं देता। पंचायत सचिव सखीलाल की इस शर्मनाक हरकत के बाद यूं कहा जाए कि पंचायत की मिली जिम्मेदारी की इसने बखिया ही उखेड़ डाली है। कुछ लोग भ्रष्टाचार की सीमा ही लांघ देते हैं। कई कोशिशें की जाती है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया जाए, लेकिन कई लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आते। ऐसा ही एक मामला बलरामपुर जिले से आया है। शंकरगढ़ के ग्राम पंचायत सिहार में पंचायत सचिव ने भ्रष्टाचार करने की पूरी सीमाएं ही लांघ दी। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पंचायत सचिव ने मृतकों के नाम से पेंशन आहरित करके अपनी पेट भरी है। बड़ा पेचीदा मामला लगेगा सुनने में, लेकिन सत्य यही है कि पंचायत सचिव जो है मृतकों के नाम से पेंशन आहरित करके अपनी जेब भर रहा था। फिलहाल इसकी जानकारी जैसे ही जनपद पंचायत के CEO को लगी, उन्होंने तत्काल कार्यवाही करते हुए पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया है। लेकिन जरा सोचिए कि भ्रष्टाचार का जो खेल है, पंचायत स्तर पर पंचायत सचिव किस तरह से खेल रहे हैं, इसकी पूरी तरह से एक उदाहरण कहा जाए तो ये ग्राम पंचायत सिहार पेश करता है, जहां मृतकों के नाम से पेंशन आहरित करने का मामला सामने आया है। बहरहाल जनपद पंचायत शंकरगढ़ के CEO प्रमोद कुमार सिंह ने जिम्मेदारी पूर्वक जांच करते हुए इस मामले पर अपनी जिम्मेदारी निभाई और गैर जिम्मेदाराना हरकत करने वाले पंचायत सचिव सखीलाल को उन्होंने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और जांच के लिए फाइल जिले के अधिकारी को उन्होंने पेश किया है। अब देखना यह होगा कि आगे किस तरह से इस पर कार्यवाही होती है, कितनी जल्दी पंचायत सचिव को बर्खास्त करके सलाखों के पीछे डाला जाएगा। बहरहाल जनपद पंचायत CEO प्रमोद सिंह की जिम्मेदारी पूर्वक कार्यवाही के बाद पंचायत सचिव के खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। मीडिया 24 न्यूज के लिए बलरामपुर से घनश्याम सोनी की रिपोर्ट।